हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, अभी हम लोग रेडी हुए हैं और आज है भाभी का बर्थडे, क्योंकि आज है 19 अगस्त। और ये देखिए मेरी बेटी बेटे और ये देखिए छोटी बाबू। तो अभी भाभी रेडी हो रही है, अभी हम लोग कट करेंगे। तो कट करके दिखाएंगे आपको। अटेंडम प्लान हुआ है, केक काटने का कोई प्लान नहीं था, तो हमने सोचा चलो यूं चला। और अभी हम लोग घूमने भी जाएंगे, नहीं मारो, फिर हम लोग घूमने भी चलेंगे, तो फिर वहाँ का भी आप लोग को देखेंगे। चलिए केक कट कर लेते फटाक से। तो देखिए यहाँ पे ये केक कट करने के लिए पूरा हो गया है व्यवस्था, और भाभी यहाँ पे केक कट करेंगी। और ये पहली बार केक काट रही थी तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मतलब उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। तो फिर भैया केक ला दिए थे तो हम लोग कट भी कर लिए थे, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे केक को देख के, क्योंकि सबको पता है बच्चों को केक कितना पसंद आता है, और हमें भी केक खाना बहुत पसंद है। तो जस्ट मम्मी अभी आरती की हैं, केक पूरा भाभी का आरती वगैरह कर दी हैं, और यहाँ पे कैंडल वगैरह जला दिए हम लोग, और बस यहाँ पे हम लोग बहुत मज़े भी कर रहे थे। बीच बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल रहा था, तो बस अब आ गई वो फाइनली बारी केक करने की। तो अभी ये देखिए बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं, दोनों बाबू और बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं सब। तो यहाँ पे ये केक खिलाने वाली बारी हो गई है, और यहाँ पे भाभी ये निकाल दी हैं जो पहनी हुई थी, इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो ये निकाल दी थी। और हम लोग बहुत इन्जॉय किए थे इस दिन, घूमने वगैरह भी गए थे, वहाँ का भी थोड़े थोड़े मैंने वीडियो क्लिक कर लिया है। और यहाँ पे देखिए केक हमको खिला रही हैं, और ये देखिए क्या कर रही हैं। तो इतना मजाक हम लोग में चलता रहता है, और केक कौन पोतता है यार, ये पोत दी हैं। खैर ये सब ओ जस्ट अभी केक सेलिब्रेशन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हम लोग मतलब नहीं चेंज किए, हम लोग तैयारी पहन के जा रहे हैं। तो चलिए आपको घुमाते हैं मंदिर। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो बाबू, बता दो। घूमने जा रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है आज, बोलो। बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जहाँ घूमने जाना था। तो यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होती है हर चीज़, इस समय तो थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल बिल्कुल कुछ भी हुआ ही नहीं था। लेकिन जब मतलब 2 साल पहले जो हम लोग आए हुए थे तो बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। और यहाँ देखिए अब हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था यहाँ का। तो चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो हम लोग स्लीपर वगैरह यहीं बाहर निकाल देते हैं, फिर चलते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई थी, तो कितना मेहनत करते हैं लोग इस दिन के लिए, सबको देखने के लिए। हम लोग जाते हैं बर्थडे के आते हैं, लेकिन जो सजावट करता है काफ़ी टाइम से वो लोग लगे रहते हैं सजावट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो भगवान के प्रति इतना मतलब प्रेम है लोगों में, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। तो यहाँ पे बहुत ही बाकायदे छोटे 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 मूर्ति वगैरह रखे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पर अंदर मंदिर भी है, तो मंदिर को लेते हुए यहाँ पे सजाया गया हुआ था। और यहाँ पे ये पंडित जी थे यहाँ के, तो हमने वो टीका वगैरह लगवाए हुए थे पंडित जी से। तो फिर हम लोग देखिए दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे एक ही जगह सजा था, मतलब ये यहाँ पे जो इस जगह हम लोग गए हैं तो यहाँ पे एक ही जगह सजावट हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था घूम के। करीब से देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, अच्छे से फोटो वगैरह लगाया गया है। हनुमान जी का मंदिर है ये यहाँ पे। तो चलिए फिर वापस चलते हैं। तो एक जगह और आए थे दूसरी जगह, वहाँ यहाँ पे हम लोग सजावट देखे थे जो इस तरह से था। तो चलिए बाकी कर करके मैं आपको सबको सभी जगह का मंदिरों को दर्शन करा देती हूँ। Oh, 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 oh
सागर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ बंसी बजा के बजा के, बंसी बजा के भोला देखना है, कन्हैया तुम्हें फ्रेंड। आ गए हैं घर पे और अब मैं अभी फेस वॉश की हूँ और अपना इयररिंग निकाली हूँ क्योंकि बहुत हैवी इयररिंग पहन के गई थी और टाइम हो गया 11 बज गया है तो फिर जा रही हूँ मैं सोने। और बाबू सो चुका है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो चलिए मैं भी जा रही हूँ। चलो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा जरूर, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।